शहर हो या गांव, उसके विकास में रेलगाड़ी यानी ट्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आज मैं आपका परिचय एक ऐसे शहर से करवाने जा रहा हूँ जहाँ के लोग पिछले 40 वर्षों से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी ट्रेन चलती ही नहीं थी। एक दौर था जब यहाँ ट्रेन के इंजन की सीटी से पूरा शहर गूंज उठता था। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा की, जो कि प्रेजेंट में जिला है। यहाँ की अगर बात की जाए तो यह शहर अपने अंदर कई प्राकृतिक सुंदरताओं को समेटे हुए है। बैजनाथ मंदिर से लेकर माँ तुलजा भवानी मंदिर, बड़े तालाब की शांति से भरी लहरें मन को आनंद और सुकून से भर देती हैं। इंदौर से लगभग 110 किलोमीटर दूर बसा यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक इन सबसे परे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या पर है, जो पिछले 40 सालों से जैसी की तैसी बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही मिस्टीरियस होने वाला है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जाकर आल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी ऐसे वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। मध्य प्रदेश में एक लाइट रेलवे संचालन में हुआ करती थी। उज्जैन और आगर मालवा के बीच यह मार्ग लगभग 68 किलोमीटर का था, यानी कि 68 किलोमीटर का यह मार्ग था जो 1932 में स्टार्ट हुआ था। नैरो गेज के इतिहास में देखें तो यह सबसे नया रेल मार्ग था। इसका निर्माण ग्वालियर के महाराज द्वारा किया गया था 1942 में। इस रेलवे लाइन के संचालन का जो स्वामित्व है वो सिंधिया स्टेट रेलवे के अंतर्गत किया गया। वहीं आज़ादी के बाद 1951 में इसका स्वामित्व भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन के अधीन आ गया। पर 1975 में इमरजेंसी के दौरान यह रेल मार्ग को बंद कर दिया गया। आगर मालवा इंदौर कोटा राजमार्ग पर एक छोटा सा शहर है जो अब जिला बन चुका है। नैरो गेज लाइन खत्म होने के बाद अब आगर रेल नेटवर्क पर नहीं है। 2013 तक आगर मालवा शाजापुर जिले का हिस्सा था। 10वीं सदी में आगर मालवा परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था। सिंधिया राज घराने में आगर मालवा प्रमुख शहर था। 1956 तक मध्य भारत राज्य में भी आगर मालवा जिला ही था, पर मध्य प्रदेश बनने पर यह शाजापुर जिले का हिस्सा बन गया। आगर मालवा अपने मनोरम वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर स्टेट रेलवे को नैरो गेज रेलवे संचालन का पुराना अनुभव था। वे 1908 से ग्वालियर से श्योपुर, ग्वालियर से भिंड और ग्वालियर से शिवपुरी के बीच नैरो गेज रेलवे लाइनें चला रहे थे। इसी के आधार पर उनकी रियासत के प्रमुख शहर आगर मालवा को उज्जैन शहर से जोड़ने का फैसला किया गया। 15 मार्च 1932 को, यानी कि 1932 को ग्वालियर महाराज द्वारा निर्मित उज्जैन आगर लाइन पर रेलगाड़ियां दौड़ने लगी थी। इस रेल लाइन पर पैसेंजर ट्रेन 3 से 4 घंटे में उज्जैन का सफ़र तय करती थी, यानी कि बहुत ही धीमी गति का सफ़र था, लेकिन ये सफ़र बस से काफ़ी सस्ता था। आगर से उज्जैन जाने वाली पैसेंजर में 9 डिब्बे हुआ करते थे। इसमें 2 डिब्बे मालगाड़ी के थे और 60 डिब्बे पैसेंजर सवारी के लिए। सुबह 9 बजे आगर से उज्जैन के लिए पैसेंजर ट्रेन रवाना होती थी। बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। 7 बजे सुबह ही उज्जैन की तरफ से एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, पर इस रेल मार्ग पर कुल 43 साल ही रेल सेवा बहाल रह सकी।
1975-76 के दौरान रेलवे ने इस नैरोगेज मार्ग को घाटे की लाइन बताते हुए बंद करने का फैसला लिया। जब इस लाइन को बंद किया गया तो इसके दो लोकोमोटिव जो चालू हालत में थे उन्हें ग्वालियर भेज दिया गया। वहां इन लोकोमोटिव NM608 और NM609 को ग्वालियर शोपुर रेल मार्ग पर संचालित में लाया जाने लगा। पर 1975 के बाद रेलवे लाइन बंद होने पर पटरियों को चोरी छिपे लोगों ने उखाड़ लिया। वहीं स्टेशन के भवनों पर भू माफियाओं का कब्जा हो गया। पर आगर में रेलवे स्टेशन की इमारत के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। पर 40 वर्ष बीत जाने पर भी यहां दोबारा रेल सुविधा ना चालू हो पाना कई सवाल खड़े करता है। ऐसा नहीं है कि प्रयास बंद कर दिए गए, आज भी शहर के लोगों द्वारा पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों से एक दिन आगर में फिर से रेलगाड़ी जरूर दौड़ेगी, क्योंकि प्रयास कभी असफल नहीं होते।